सीरत कमेटी अहमदाबाद का 2019 का वार्षिक समारोह, 2019 के तेजस्वी विद्यार्थियों को दिया गया सम्मान और शिक्षण जगत की मेघावी प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। दर्शक मित्रों, द राइट न्यूज में आपका स्वागत है। पूरी खबर इरशाद सैयद के साथ। जो कौम अपनी विरासत को भूल जाती है, खुद उसी की शहीदों पे झूठ जाती है। बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों, मैं आज के प्रोग्राम के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे सभी भाई मनिया साहब, उनको ये कहते हुए यहाँ पर दावत देता हूँ कि ये वो शख्स है कि लगा सका न कोई जिसके कद का अंदाजा, लगा सका न कोई जिसके कद का अंदाजा, वो हमेशा सर झुका के चलते हैं, वो हमेशा सर झुका के चलते हैं। गुलाम नगर को घरे बाद अभी मुझसे पहले आप लोगों ने काफी सुना, आप सब मुंतजर हो गए अवार्ड के लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए। तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ज्यादा और मिल लूंगा। हर किस का काम होगा मेरा था और मैंने एक हमारा मेमन समाज का टॉप रैंकर मैंने इनवाइट किया था कि के साथ में आसमान माप का बाकी है, मतलब देखो अल्लाह का हम एडजस्टमेंट करता है। वही असरफ के इसरानी है, पूरे दूरी इंडिया में 3 लाख एमबीबीएस के बच्चों में से फर्स्ट रैंक लाने वाला असरफ के इसरानी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात पे गौर कलम हो कि खुदा ना खासा अगर लड़के नहीं पढ़ेंगे है।
फारूकी मोई अहमद बड़े आदमी बड़े आदमी जवान को कैसा बिजार यस जो आगे जानता है कभी दुखी नहीं होता, हम उसे बेखबर हैं। हमें काले मिट्टी अवार्ड के स्पॉन्सर दीजिए, रिकॉन्डक्ट में लिखिए, सोशल सर्विस में लिखिए, लिखते क्यों नहीं, नकल में क्यों लिखिए, आपका लेसन क्यों नहीं जाता, आपको लिखना चाहिए, मिलकर लिखना चाहिए। आप नहीं चाहते कि आपका निशा स्कूल में पढ़ाया जाए, अठारह सौ